तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की फर्स्ट रिव्यू और रिएक्शन आ चुके हैं, तो फिर उस पर चर्चा करेंगे कि ये मूवी आखिर कैसी लगी लोगों को। तो यार देखो, ये महीना यानी कि अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में भी 11 तारीख को याद रखना, इसको भूलना मत, क्योंकि 11 तारीख को दो बहुत ही बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है एक ही साथ। जी हाँ, एक ही साथ, एक तरफ अक्षय कुमार, एक तरफ आमिर खान। अक्षय कुमार जो कि मूवीज पर मूवीज बनाते रहते हैं, उसमें से कुछ अच्छी होती है, कुछ फ्लॉप हो जाती है। एक तरफ आमिर खान जो कि ज्यादा मूवीज बनाते हैं नहीं है, लेकिन जो मूवीज बनाते हैं वो बिल्कुल फ्लॉप तो नहीं होती है, ब्लॉकबस्टर बन जाती है। तो फिर इन दोनों के बीच टकराव होने वाला 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा वर्सेस अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। अब देखो, रक्षाबंधन जो है वो पूरी फैमिली टाइप मूवी है, भाई बहन के प्यार पर है। वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा जो है वो भी फैमिली लायक ही मूवी है, जो कि थोड़ा इमोशन के साथ खेलेगी, ड्रामा करेगी, थोड़ी नौटंकी करेगी, थोड़ी कॉमेडी भी करेगी। तो फिर इन दोनों मूवीज को जो है ना, कौन कौन देखने जाने वाले मुझे बताना जरूर पहले, लेकिन बात करें इसके रिव्यू के बारे में, क्योंकि देखो लाल सिंह चड्ढा के जो है ना फर्स्ट रिव्यू रिएक्शन आ चुकी है। अब देखो, फॉरेन कंट्रीज में जो है ना इसको पहले ही थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि सेंसर बोर्ड के लिए। हालांकि ये मूवी रिलीज नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ क्रिटिक्स ने इसे देख लिया है, और अगर उन क्रिटिक्स की माने तो फिर देखो ऐसा बताया जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब। लिटरली कुछ ऐसे रिव्यूज निकल के आए लाल सिंह चड्ढा को लेकर। अब देखो, कुछ क्रिटिक्स को जो है ये मूवी पहले ही दिखा दी गई, यानी कि लाल सिंह चड्ढा, और उनकी तरफ से कुछ रिव्यूज ऐसे निकल के आ रहे हैं कि उसमें से एक क्रिटिक ने कहा है इसको रिव्यू करते हुए कि ये एक ऐसी मूवी है जो कि इंडियन जो कि डूबते इंडियन सिनेमा को जो है ना फिर से ऊंचाई पर ला सकती है। जी हाँ, डूबते हुए इंडियन सिनेमा को, बॉलीवुड को ये फिर से उठा सकती है, ये एक ऐसी टाइप की मूवी है। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हो जाती है, जहां पर आप लोग बॉयकॉट कर रहे बॉलीवुड को, और वहां पर एक ऐसी मूवी निकल के आ रही है जो कि पूरे के बॉलीवुड को जो है ना उठाकर ऊपर रख दे, तो फिर कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि ये मूवी एक मास्टरपीस है। अब देखो, इस पर तो मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब तक ऑडियंस का रिएक्शन नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये मूवी मास्टरपीस है कि नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज निकल के आ रहे हैं इस मूवी को लेकर, जहां पर एक क्रिटिक ने ये भी कहा है कि ये जो मूवी है ये इंडियन सिनेमा में जो ना फिर से एक विश्वास पैदा कर देगी कि हाँ इंडियन सिनेमा में भी एक पोटेंशियल है, ऑडियंस को भी ये एहसास होगा कि इंडियन सिनेमा के अंदर एक पोटेंशियल है जिसे सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बॉयकॉट तो चलता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ मूवीज ऐसे निकल के आती है जो कि बॉयकॉट वाले शब्द को ही हटा दे, और ये आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा उन्हीं मूवीज में से एक। और इस मूवी की तारीफ करते हुए कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है, कुछ नहीं बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा है कि इसमें आमिर खान का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल आपके आंखों से नजरें चुरा लेगा। और ये भी कहना है कि आमिर खान ने इस मूवी में जो परफॉर्म किया है, जो रोल किया है, वो उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग कह सकते हैं, जो कि मैं मान सकता हूं, क्योंकि आमिर खान एज एन एक्टर बहुत ऊपर के लेवल के एक्टर है। एज एन एक्टर मैं उन पर सवाल नहीं उठाता हूं कभी भी, उनकी चाहे बहुत सारी मूवीज ऐसी रही है जो कि ब्लॉकबस्टर से भी ब्लॉकबस्टर रही है। उनकी जो पहली मूवी गजनी आई थी, पहली मूवी नहीं, लेकिन जो गजनी मूवी आई थी वो पूरे देश की पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे 2007-8 में शायद रिलीज। और इस मूवी में आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप लोग बंधे रहेंगे, और ये बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा मूवी है जो कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी रक्षाबंधन के दिन। तो फिर अब तो इतने सारे रिव्यू सुनकर ऐसा तो लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, ये मूवी एक टिपिकल आमिर खान की मूवी। तो फिर अभी तक तो ये ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आमिर खान एज एन एक्टर मैं बिल्कुल उन पर डाउट नहीं करता हूँ। लेकिन बात करें कि अब ये मूवी कैसे परफॉर्म करेगी, तो सब हमें पता चलेगा जब ये रिलीज होगा 11 अगस्त को, जब ऑडियंस के रिव्यू जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मूवी कैसे परफॉर्म करने वाले। लेकिन अगर हम लोग इस रिव्यू की माने, यानी कि क्रिटिक्स के रिव्यू की, तो फिर इधर से तो बहुत सारी पॉजिटिविटी निकल के आ रही है इस मूवी को लेकर। आप लोग जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं परफॉर्म करेगी, और आप लोग इसे देखने जा रहे हो कि नहीं देखने जा रहे हो, या फिर रक्षाबंधन देखोगे, बताना जरूर।